हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एब्डोमेन। पहले हम देखेंगे एब्डोमेन का एक्सटेंड, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। कुछ प्लेन्स देखेंगे और कुछ एरियाज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। ट्रांसपाइलरिक प्लेन, मिड क्लेविकुलर प्लेन, कई सारे प्लेन्स पढ़ेंगे और सेगमेंट्स भी पढ़ेंगे किस तरह से हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं। ये कई बार सरफेस मार्किंग वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले टॉपिक क्या हमारा? एब्डोमेन। करना क्या हम एक्सटेंड, कहाँ से कहाँ तक हमारा एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंड करता है जहाँ पे हमारा रही स्टर्ना होती है ना, स्टर्नम के पीछे से, स्टर्नम वाली साइड से नीचे का जितना भी एरिया होता है ये सारा हमारे एब्डोमेन के अंदर बनाते हैं। जैसे कि हमारा सपोज ये हमारी रिब्स होती है। ठीक है, ये स्टर्नम होगी। स्टर्नम की कौन सी आई है? इन नीचे वाला पोर्शन है जिप पॉइंट प्रोसेस, ये रिब्स है नीचे की तरफ। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होती है हमारी? हिप बोन होती है कुछ इस टाइप से, ये हिप बोन आई है। ठीक है, तो इस बीच में हमारा एक्सटेंड करता है एब्डोमेन। ये जितना भी एरिया होगा ना सारा, ये सारा हमारा आ जाएगा एब्डोमेन, ये वाला जितना भी एरिया, ये सारा पोर्शन आ जाएगा हमारा एबडोम। ठीक है, तो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ पे रहा हमारा? एक्सटेंड हमारा रहेगा, और किस, अब ज़िफोइड प्रोसेस है। ज़िफोइड प्रोसेस के पीछे कौन सी वर्टिब्रा रहेगी? यहाँ पे ज़िफोइड प्रोसेस के पीछे जस्ट बैक साइड पे हमारी होती है हमेशा T9 वर्टिब्रा। ये हमारी T9 वर्टिब्रा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे तो कहाँ से आप लिखेंगे? और ऊपर की तरफ क्या होता है हमारे पास मैम? उसके ऊपर एकदम? तो यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास? डायफ्राम। एक डायफ्राम भी होता है, डायफ्राम से नीचे रह एरिया, ये भी याद रहना है, डायफ्राम से नीचे रह एरिया। तो बिलो डायफ्राम एक्सटेंड करता है टू हिप बोन। हिप बोन में क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से ऊपर तक का, उस ओपनिंग के सारे काफी सारे चीजें मेजर रहते हैं। हिप बोन के अंदर काफी सारे एक्सटेंड रहता है हिप बोन के अंदर। तो हिप बोन, फिर हिप बोन ओपनिंग। ठीक है, हिप बोन में ओपनिंग होती है पूरे कैनाल होती है, जैसे कि सेंटर में सपोज इस तरह से हिप बोन होती है हमारी। जैसे ये हिप बोन है, ठीक है, ऊपर क्या होता है? सेकंडम वगैरह होता है। अब बीच में कैविटी तो होती है ना, उस कैविटी को जो हिप बोन का सर्कमफ्रेंस होता है, इसको बोलते हैं डायमीटर, इसमें पूरी सारी कैनाल पास करती है, तो इस कैनाल के ऊपर। ठीक है, ये हिप बोन ओपनिंग। इससे ऊपर का सारा। अब तो क्या क्या चीज आ गई? क्रेस्ट भी सारे हिप बोन में बना भी पी लिया, ईशियम प्यूबिस, ये सारे हिप बोन के अंदर आ देना, इसके ऊपर का एरिया। ठीक है, और यहाँ पे और जिंदगी भी आ रही, वो सारी चीजें हिप बोन के अंदर हमारे आ जाएंगी। ओपनिंग ऑफ हिप बोन। ठीक है, ओपनिंग ऑफ हिप बोन तब भी देखा। तो ये जितना भी एरिया आ जाएगा बीच में, इसको बोलते हैं हमारा एब्डोमेन। अब एब्डोमेन के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, कंटेंट लिखते हैं। तो कंटेंट क्या रहना है हमारा एब्डोमेन के अंदर, मतलब कंटेंट मतलब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स में क्या होगा हमारे पास? विसरा, या फिर विसरा ऑर्गन्स, या विसरा ही बोलते हैं। जैसे कि किडनी, लिवर, स्टमक, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन स्मॉल लार्ज बोन इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं बेसिक। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं कंटेंट। अब उसके बाद क्या डिवीजन करना है? अब हम इस पर डिवीजन करेंगे प्लेन्स के। ठीक
कि हम किस किस टाइप से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डिवीजन रहता है वो हम दो टाइप्स डिवीजन करते हैं। पहला एक क्वाड्रेंट के फॉर्म, जैसे सपोज ये हमारे डाउन हो गया, ठीक है, ये डाउन है हमारे पास। सेंटर में क्या रहते हैं, अम्बिलिकस होगी। अम्बिलिकस क्या होते हैं, जो पेट पे मार्क होते हैं इसको बोलते हैं अम्बिलिकस, ठीक है। ये हो गया हमारा अम्बिलिकस। अब इसको हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट फॉर्म। क्वाड्रेंट कितने बनाएंगे, चार। कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से। सबसे पहले एक प्लेन बनाएंगे ऐसे, ट्रांसवर्स प्लेन। ये ट्रांसवर्स प्लेन का नाम क्या रहता है, ट्रांस अम्बिलिकस प्लेन, क्योंकि पास हुआ है अम्बिलिकस से। एक बनाएंगे सीधा ऐसे। तो इस तरह से हमने चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए पूरे एब्डोमेन। इस प्लेन का नाम लिखते हैं ट्रांस अम्बिलिकस प्लेन, अम्बिलिकल प्लेन बोलते हैं, ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। किससे पास करता है, कौन सी वर्टिब्रा से, आपको वर्टिब्रा याद रखनी है L3। और ये कौन सा है, हमसे बदल रहा है मिड स्टर्नल प्लेन, जो कि बिल्कुल सेंटर से पास करे। तो इससे हमने तीन चार क्वाड्रेंट बना दिए एब्डोमेन। तो इन क्वाड्रेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, नाम लिखते हैं। ये हमारी राइट साइड रहती है हमेशा, ये हमारी लेफ्ट साइड रहेगी, इसके सामने से देखते हैं। तो ये कौन सा हो गया, राइट अपर, ये कौन सा जाएगा, लेफ्ट अपर, ये कौन सा राइट लोअर, और ये लेफ्ट लोअर। तो ये हमारा पहला डिवीजन था जिससे हमने डिवाइड किया क्वाड्रेंट फॉर्म में। सेकेंड डिवीजन हमारा रहेगा, अब सेकेंड डिवीजन करेंगे। तो सेकेंड डिवीजन कैसे करते हैं, फीडबैक, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन एट L3 वर्टिकल। चलिए यहाँ पे अब इसको डिवाइड करते हैं। आप एक एक सेगमेंट उदाहरण, आप बस नाइन क्वार्टर की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, नाइन सेगमेंट्स की। अब दूसरा डिवीजन हमारे पास, ये पहला डिवीजन था हमारे पास, जिस तरह से हम डाउन को क्लासिफाई करते हैं, इससे क्या रहता है, आपको स्टडी करना ईजी रहता है। कोई भी ऑर्गन में डिफेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि किस ऑर्गन में डिफेक्ट होगा, किस सेगमेंट, इस सेगमेंट में डिफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे आर्ट पता कर लेते हैं कि इस सेगमेंट में डिफेक्ट है तो उस ऑर्गन में डिफेक्ट होगा। जैसे हमने टच किया डाउन, हमें किस जगह पे हाथ लगा के देख, तो हमें पता चलता है कि इस सेगमेंट में जब तो यहाँ पे डिफेक्ट होगा, इसलिए करते हैं डिवीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास सेगमेंट, नाइन सेगमेंट डिवीजन, ठीक है, नाइन सेगमेंट। तो इस बार नाइन सेगमेंट में डिफेक्ट, तो यहाँ पे कई सारे प्लेन्स हैं, तो प्लेन्स देखने हैं फिर, ठीक है। सपोज ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे प्लेन्स बनाता हूँ फटाफट। पहला दो प्लेन है मेरे मिड क्लेविकल पे, मिड क्लेविकल पे कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, फ्रॉम मिड ऑफ क्लेविकल, ठीक है, मिड क्लेविकल। सेकंड एक प्लेन का नाम रहेगा हमारा ट्रांस अम्बिलिकल, ट्रांस ट्यूबरकुलर पे, ठीक है, ट्रांस अम्बिलिकल। कब हो गया देखते हैं, उनका नाम लिखते हैं। तो पहले ये तो कौन से, मिड क्लेविकुलर, ये भी और ये भी, नौ सेवन बना रहे, तो साफ से बना रहे। इसका नाम रहता है, इस प्लेन का नाम है ट्रांस ट्यूबर, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास इंटर ट्यूबर कुलर प्लेन। और ये कहाँ से पास करते हैं, इसको लिखते हैं, फिर ये काफी बॉर्डर डालते हैं, ये पास करता है हमारा फ्रॉम अपर बॉर्डर एट L5 वर्टिब्रा, ठीक है।
दूसरा ऊपर वाला प्लेन जो है इसका नाम होता है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। ठीक है, और ये पास करता है, इसके काफी चीजें हैं, ये पास करता है हमारा लोअर बॉर्डर मैक्स L1 और एंड टिप ऑफ 9th ऑस्टल कार्टिलेज, ठीक है, इतना समझ गए, ये लाइन डाल दी बीच में। तो ये क्या है, तो इस तरह से हमने 9 सेगमेंट डिवाइड कर दिया। मिड क्लैरिकुलर प्लेन बनाती है तो क्लैरिकुलर मिड से पास करते हैं एक ट्रांस पाइलोरिक प्लेन जो कि पास करेगा 9th ऑस्टल कार्टिलेज के टिप से और तीसरे साइड से T1 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर। फिर एक बनाया ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन जो कि पास करना है हमारा L5 के अपर बॉर्डर से। अब डिविजन करते हैं, इस तरह से नाम लिखते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं, इनके नाम होते हैं। यहाँ पे हम लाइक हो, इसका नाम होता है गैस्ट्रिक, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। ये होता है हमारा अम्बिलिकल। ये एपी गैस्ट्रिक। फिर ये वाला उदाहरण है हाइपोगैस्ट्रिक, फिर इस सारे बोलते हैं रिब्स के नीचे आ रहे, इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम। ये वाला, ये राइट साइड में तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम। और उसके बाद ये वाला, इसको होते हैं लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन एंड राइट लंबर रीजन। और ये वाला कौन सा हो गया, ये राइट है। सिमिलरली यानी इसको होते हैं इलियाक रीजन, सिमिलरली वही राइट एंड लेफ्ट। तो क्या है ना, सबसे पहले राइट साइड में 3 डिवीजन किए, सबसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लंबर ईयर लंबर रीजन, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा यहाँ पे बीच में सेंटर में एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, फिर राइट साइड में हाइपोकॉन्ड्रियम लंबर एंड ईयर। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स देखे अब हम, नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं प्लेन्स। प्लेन्स ऑफ कंप्लेन, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, कई सारे प्लेन्स अगर पूछे जा रहे हो तो हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। पहले मैं वर्टिब्राज बना रहा हूँ सारी एक साथ ताकि इजी रहे। L1, L2, L3, L4 एंड L5। फिफ्थ ये हो गए हमारे हिप बोन। ठीक है, हिप बोन में क्या रहता है, जो उसका इलियक बोन होती है, हिप बोन आज 3 बोन से होते हैं, इलियम, इश्यम, प्यूमिस। तो जब ऊपर वाली होती है इलियम बोन होती है, इसके साइड में एक ट्यूबरकल होता है, एक थिकनिंग सो, इसको होते हैं ट्यूबरकल ऑन क्रेस्ट। ये क्या होती है, इस पूरी को बोलते हैं क्रेस्ट, इसका नाम होता है, ये हो गया हमारी क्रेस्ट, और इसका नाम होता है ट्यूबरकल ऑन क्रेस्ट ऑन ट्यूबरकल, और इसको होता है ट्यूबरकल ऑन क्रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन्स को लिखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेन ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे एक लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से प्लेन पास करेगा, वो बताया था कौन सा। दूसरा प्लेन पास करता है लोअर बॉर्डर L2 से, ये सारे प्लेन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
तीसरा प्लेन पास करता है L3 से, चौथा प्लेन पास करता है L4 से और इस क्रेस्ट के बिल्कुल टॉप से, बिल्कुल उसको टच करता है। पांचवा प्लेन पास करता है L3 L5 के टॉप से और इन दो ट्यूबर में उसको टच करता है। तो इन प्लेन्स के नाम हो गए, नाम करते हैं। देखिए सबसे पहला प्लेन जो होता है इसको होता है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, इसको बोलते हैं हम सब कोस्टल प्लेन। ये कहाँ पे हमारा लोअर कनलिस लेते हैं, इस वाले बोलते हैं हम ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। इस वाले का नाम होता है जो कि टॉप से टच कर रहे, जो क्रेस्ट है हमारी उसके बिल्कुल टॉप टिप को टच कर रहे, इसको होते हैं हम सुपरा क्रिस्टल प्लेन। और लास्ट ये वाला जो हमारा था इस साइड में, इसको इस साइड लिखना है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। अब समझ इसको ट्यूबरकुलर प्लेन क्यों बनते थे, देखिए इस ट्यूबरकुलर से पास करता है ट्यूबरकुलर प्लेन या फिर इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, क्योंकि दो ट्यूबर में बीच में है, ठीक है, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है उनको माफ करते हैं। देखिए जो हमारा होता है ये वाला पास करता है हमारा L1 से लोअर L1, ये भी लोअर L2, सिर्फ एक ये जो अपर से पास कर रहा है, ये इसको डायरेक्ट L3 लिख देते हैं। वैसे ये होता तो लोअर से, बट इतना इसमें अपर नहीं पड़ता, हम ब्लाइकस बिल्कुल L3 पे ही होता है, यहाँ पे होता है हमारा ब्लाइकस। ये अपर L4, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपर L4 से पास कर रहा है और ये वाला लोअर L5। ठीक है, अब इस वजह से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक ये वाला प्लेन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछते हैं, एक ये वाला पूछा जाता है, दो तीन छोड़ भी सकते हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद कर, और एक ये वाला, इन प्लेन्स को नहीं छोड़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड जो करें। तो ठीक है, तो ये हमारे प्लेन्स हो गए सारे, तो ये सारा बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम मसल्स ऑफ एब्डोमिनल्स और लेयर्स करें। ठीक है, थैंक यू।